हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। इन टुडेस क्लास वी विल प्रोसीड विद अवर पार्ट 25 ऑफ मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज। टिल पार्ट 24 हमने परसेंटेज टॉपिक के मैंने आपको पार्ट करवाए। परसेंटेज के विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ अभी तक हमने जो किया है। देखो, ये आपकी मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट है, जिसपे ऑलरेडी मैं 25 पार्ट्स अपलोड कर चुका 25 पार्ट्स अपलोड कर चुका। बट अब मैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट पर। तो जो हमने कंसेप्ट किया था वो था परसेंटेज। परसेंटेज के मैं ऑलरेडी, ये परसेंटेज की प्लेलिस्ट है जो पार्ट 21 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैंने परसेंटेज टॉपिक पर आपको 4 पार्ट्स करवाए। दिस इज द पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, राइट। अब आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, मैंने अपने चैनल पर मल्टीपल प्लेलिस्ट पे भी मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज का सेक्शन बना दिया। दिस इज द मैथ्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज, जिसमें आपको मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज के 24 पार्ट्स वाली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, और परसेंटेज का जो हमारा टॉपिक अभी कवर हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। अब जो भी टॉपिक्स हमारे कवर होते जाएंगे उनकी प्लेलिस्ट जो है मैं इसी सेक्शन में इस तरह से ऐड करता जाऊँ, राइट। तो चलिए आपका कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कि आज हमारा पार्ट वन है, तो पहले जो मैं शुरुआत करूंगा वो मैं कंसेप्ट से शुरू। तो देखो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ तो मेनली जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो एक टॉपिक है, इसमें आपके दो कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंसेप्ट वन की। अगर हम कंसेप्ट वन की बात करते हैं तो कंसेप्ट वन में देखो, एंगल का जो रेशियो होता है वो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो, अगर मैं एक राइट ट्राइंगल बनाता हूँ, देखो जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है वो आपका किस ट्राइंगल पर आता है, वो आता है आपका राइट ट्राइंगल। तो दिस इज द राइट ट्राइंगल, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो अगर ये एंगल आपका 90 है, से ये एंगल आपका 60 है, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इनके रेशियो वैल्यूज क्या होती है, देखो जो 30 डिग्री वाला एंगल होता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 1। उसकी रेशियो वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरह से जो 60 डिग्री वाला एंगल जो होता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है, उसकी जो रेशियो वैल्यू होती है वो होती है √3, इसी तरह से जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 2। मैंने आपको क्या कहा, 30 डिग्री की रेशियो वैल्यू क्या होगी 1, 60 डिग्री की अपोजिट साइड की रेशियो वैल्यू क्या होगी √3, 90 डिग्री के रेशियो की अपोजिट साइड की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। पहला कंसेप्ट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका अभी हम जब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है कंसेप्ट 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 टू में देखो, या तो एंगल्स आपको इस तरह से मिलेंगे क्वेश्चन में 30, 60, 90, या आपको जो एंगल्स मिलेंगे क्वेश्चन में वो मिलेंगे आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो, इसी तरह से अगर मैं एक राइट ट्रायंगल लेता हूं, दिस इज द राइट ट्रायंगल, ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री, ये आपका एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया 45। आप देखो, तीनों एंगल का सम होगा 180, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये भी आपका 45 ही होगा। अब जो 45 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी रेशियो वैल्यू होती है 1। तो ये भी 45 है, तो इसके अपोजिट भी जो साइड होगी उसकी भी रेशियो वैल्यू क्या होगी 1। और 90 डिग्री के, तो अभी आपने देखा था, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू जो होती है, अगर इस रेशियो में 30 60 के साथ बात करते हैं तो 2 होती है, लेकिन 45 45 90 के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये होगी आपकी, ये आपकी कितनी होगी। देखो, अगर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका √2 है, ये आपका √2 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एंगल्स आपके तीन एंगल 30 60 और 90 है, तो 90 के अपोजिट जो आपकी रेशियो वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी, लेकिन अगर एंगल आपके 45 45 और 90 है, तो 90 के अपोजिट जो वैल्यू रहेगी वो आपकी √2।
तो ये तो हो गए आपके कंसेप्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंसेप्ट वन क्या था आपका, कि अगर आपके जो ट्राइंगल्स हैं उसमें जो तीन एंगल हैं वो 30, 60 और 90 है। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है तो उसके अपोजिट जो साइड होगी उसकी वैल्यू, रेशियो वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह से अगर 60 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड की जो वैल्यू होगी वो रेशियो वैल्यू क्या होगी, √। और 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है उसकी वैल्यू होती है 2। बट अगर आपका जो ट्राइंगल है उसके जो तीन एंगल है वो 45, 45, 90 है, या सिंपल सी बात आप ऐसे याद रखो, 45 डिग्री की जो अपोजिट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो ये भी 45 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, 1। तो 90 के अपोजिट जो वैल्यू होगी, रेशियो वैल्यू, वो क्या होगी, 2। तो ये आपका कंसेप्ट है। आप इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो आप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हाइट ऑफ ए पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय आर इक्वल। आपको क्या कहा जा रहा है, जैसे कि मान लो दिस इज द पोल, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द पोल, ठीक है, और ये साइड, ये आपका ट्राइंगल बन, ये आपका ट्राइंगल बन, राइट, ये आपका हो गया ट्राइंगल। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ द हाइट ऑफ ए पोल, इफ द हाइट ऑफ अ पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय आर इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो आपकी हाइट है, ये जो पोल की हाइट है और ये जो डिस्टेंस है, मान लो जो मैन पर्सन है वो यहां खड़ा हुआ, जो पर्सन है वो आपका यहां खड़ा हुआ है, तो ये आपका पोल है, ये आपका क्या है, पोल है। तो पोल से जो इसका डिस्टेंस है ये, और ये जो पोल है इसकी जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या है, वो इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है, राइट। तो व्हाट वुड बी द एंगल, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल क्या होगा, तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये तो आपको पता 90 डिग्री होगा। अब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है ये और ये, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इट मीन्स ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और बेसिकली इनकी वैल्यू क्या होगी फिर, अगर ये अकेला 90 है तो बाकी के दो एंगल फिर क्या होने चाहिए, 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो कैन आई से दैट राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैन आई से दैट राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इज इट क्लियर, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देर इज अ पॉइंट ए, क्या कहा जा रहा है आपको, देर इज अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ फ्लैगस्टाफ, फ्रॉम द फुट ऑफ अ फ्लैगस्टाफ, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां से एक फिगर बनाता हूं, यहां से अगर मैं एक फिगर बनाता हूं, तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द फ्लैगस्टाफ, दिस इज द फ्लैगस्टाफ, ठीक है, और जो डिस्टेंस है, इसके बॉटम से पॉइंट ए का, मीन्स क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, देर इज अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए फ्लैगस्टाफ, फ्रॉम द फुट ऑफ ए फ्लैगस्टाफ, तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द फ्लैगस्टाफ, दिस इज द फ्लैगस्टाफ, ये आपका फ्लैग, ये आपका क्या हो गया, फ्लैग, राइट, दिस इज द फ्लैगस्टाफ। अब यहां से पहले तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, एक ट्राइंगल बना देता हूँ प्रॉपर, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि जो इसका ये बॉटम है, फ्लैगस्टाफ का जो बेस पॉइंट है, लेट अस से दैट दिस इज द पॉइंट बी, तो देयर इज अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए फ्लैगस्टाफ। तो फुट ऑफ ए फ्लैगस्टाफ को एफ फॉर फुट मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं एफ, तो ये हो गया फुट ऑफ ए फ्लैगस्टाफ, ये हो गया फुट ऑफ ए फ्लैगस्टाफ, और ये हो गया पॉइंट ए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फुट ऑफ द फ्लैगस्टाफ से पॉइंट ए का जो ये डिस्टेंस है, पॉइंट ए का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 40 मीटर है, ये कितना है, 40 मीटर है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको आगे कहा जा रहा है, आगे आपको ये कहा जा रहा है, इफ इफ एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपको कहा जा रहा है अगर एंगल पी ए बी जो है आपका वो कितना है, 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ फ्लैग इज,
यानी कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ आपको फाइंड करना। तो बेसिकली आपको ये हाइट फाइंड करनी है जिसको मैच ले ले, आपको ये हाइट फाइंड करनी है जिसको मैच ले ले। यहां तक क्लियर हो गया? इस हाइट को मैंने क्या ले लिया, एच। आपको ये हाइट फाइंड करनी। अब आपको कहा जा रहा है एंगल पी ए बी कितना, 60 डिग्री। ये आपका पॉइंट हो गया पी, ये आपका पॉइंट कितना हो गया पी, ये आपका पॉइंट हो गया पी, राइट। एंगल पी ए बी, अगर बी कहा जा रहा है तो भैया जिसको हमने एफ लिया है इसको बी ले दो, जिसको आपने एफ लिया इसको बी ले दो। ये बेस ऑफ ए फ्लैगस्टाफ हो गया, और ए पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना, 40 मीटर, राइट। अब आपको ये कहा जा रहा है एंगल पी ए बी, ये कितना है आपका, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका कितना है 60 डिग्री, ये आपका कितना है 60 डिग्री। तो आपको हाइट निकालना, आपको क्या निकालनी है, हाइट। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको देखो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 90, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा 90, ये आपका कितना होगा 90। तो कैन आई से दैट, तो ये जो एंगल आपका वो 30 डिग्री होगा। कैन आई से दैट ये जो एंगल आपका फिर वो कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखो जो आपके पास एंगल का रेशियो आ गया, यानी कि यहाँ पर जो हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो है कंसेप्ट वन। रेशियो क्या आपके पास, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है, 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 1। 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसकी उसकी रेशियो वैल्यू होती है √3। अब ये √3 और 1 होता है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 2। अब इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ये वाली साइड 1 है, अगर ये वाली साइड जो है आपकी, ये वाली साइड 1 है, तो 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी ये वाली, ये इसका रूट, ये और √3 हो। सिंपल सी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये वाली साइड, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड अगर उसकी वैल्यू 1 है, तो 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी उसकी वैल्यू होगी √3। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो वैल्यू है, ये जो 30 डिग्री के अपोजिट साइड है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, उसकी वैल्यू 40 है, यानी कि 1 का 40 टाइम्स है, 1 का 40 टाइम्स। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये साइड अगर 1 होती है तो ये वाली साइड आपकी √3 होती है, अगर ये वाली साइड 1 होती है तो ये वाली साइड तो कितनी होगी, √3। बट अगर ये वाली साइड 1 का 40 टाइम्स हो जाती है तो फिर ये वाली साइड जो होगी ये भी 1 का 40 टाइम्स हो जाएगी, यस और नो? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये साइड रेशियो के हिसाब से 1 है तो 60 के जो अपोजिट साइड होगी वो होती है √3। बट अगर 1 वाली साइड 40 हो जाती है, इसका मतलब 1 का 40 टाइम्स, इसका मतलब 1 का 40 टाइम्स, इसका 40 गुना हो, तो फिर ये वाली साइड भी बढ़ के 40 गुना हो जाएगी, ताकि रेशियो आपका सेम रहे। इसका मतलब जो आपकी जो हाइट है, इसका मतलब जो ये आपकी हाइट है, ये कितनी होनी चाहिए, ये आपकी होगी 40 √3। बिकॉज 1 के साथ जो रेशियो आता है वो आपका कितना आएगा, √3। तो 40 के साथ जो रेशियो हो जाएगा आप, यानी कि 1 जो है आपका 40 से मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 के साथ फिर रेशियो क्या हो जाएगा, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ ए पोल है, जो हाइट ऑफ ए पोल है वो आपका कितना होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 40 √3 बिटवीन। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन फ्लाइज अ काइट विद अ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग। वन फ्लाइज अ काइट विद अ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग। इफ द थ्रेड ऑफ द काइट, इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट, जो काइट की हाइट है वो ग्राउंड से कितनी होगी, और ये आपकी चार ऑप्शन, ये आपकी चार ऑप्शन। तो देखो अगर मैं फिगर की बात करते हैं, अगर हम फिगर की बात करते हैं, तो आपको क्या कहा जा रहा है, देखो आपको पहली चीज ये कहा जा रही है, आपको ये बताई जा रही है कि काइट विद अ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले काम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द हाइट ऑफ ए काइट, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से जो काइट है, काइट मान लो इस पोजीशन पर है, के पोजीशन, राइट। और जो थ्रेड है आपका, ये हो गया थ्रेड, ये क्या हो गया, थ्रेड, और यहां हम बना देते हैं ग्राउंड लेवल, ये हो गया ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये हो गया आपका ग्राउंड,
ये क्लियर हो गया? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये आपकी जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी थ्रेट है। के जो है, के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजिशन ऑफ काइट। और ये ब्लैक वाली लाइन है ये ग्राउंड है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये क्या हो गया? ग्राउंड। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है दैट काइट मेक्स, जो थ्रेड ऑफ ए काइट है, थ्रेड ऑफ द काइट यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये ब्लैक वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल यही होता है ना, इसी तरह से होता है। ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसकी बात हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इट मीन ये जो ब्लू वाली लाइन है, जो थ्रेड है, वो कितना एंगल बना रही है? वो 60 डिग्री बना रही है। 60 डिग्री कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो हाइट ऑफ द काइट आपको, यानी कि आपको ये एच फाइंड कर, ये एच फाइंड कर, ये आपको क्या फाइंड करना है? एच फाइंड कर, राइट। अब मैं इस फिगर को एक बार कॉपी कर लेता हूं, फिर आराम से हम डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पर। चलिए, तो ये आपकी फिगर बन, ये हमारी फिगर है, दिस इज द फिगर, राइट। अब हमें जो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है, हमें ये एच फाइंड करना, हमें ये एच फाइंड करना, राइट, हमें ये एच फाइंड करना। तो आप ये देखो, अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो देखो आप ये देखो कि ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। अब देखो ये 60 है, ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका? ये वाला एंगल होगा 30। तो आपके पास रेशियो आ गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, यानी कंसेप्ट वन, कंसेप्ट वन, कंसेप्ट वन। 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी रेशियो वैल्यू होती है √3। 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू 1 होती है। और इस केस में जो 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 2। इसका मतलब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है इसकी रेशियो वैल्यू होगी 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड है, 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड है उसकी रेशियो वैल्यू हो जाएगी √। अब आपको इस थ्रेड की लेंथ गिवन है, आपको इस थ्रेड की लेंथ गिवन है कितनी है? अगर हम इस थ्रेड की लेंथ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 150 मीटर। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 150। इस थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर है। तो देखो भाई, अब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो अगर थ्रेड की लेंथ 2 मीटर होती, अगर थ्रेड की लेंथ 2 मीटर होगी तो काइट की जो ग्राउंड लेवल से हाइट है वो होगी √3 मीटर। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर थ्रेड की जो लेंथ है वो 2 मीटर होगी, अगर थ्रेड की लेंथ 2 मीटर होगी तो काइट की जो ग्राउंड लेवल से हाइट है वो कितनी होगी? √3 मीटर। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो थ्रेड की आपको लेंथ की बना है, जो थ्रेड की आपको लेंथ की बना वो की बना 150 मीटर। 150 मीटर होने का मतलब थ्रेड की लेंथ जो है इनिशियल ओरिजिनल रेशियो वैल्यू का 75 टाइम्स है। तो 2 × 75 करोगे तब 150 आएगा। यानी कि अगर ये वाले जो, तो थ्रेड की लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ से कितना टाइम होगी? 75 टाइम्स। तो अगर ये 75 टाइम्स होगी तो ये वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? फिर 75 टाइम्स होनी चाहिए। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट जो काइट की जो हाइट है, जो काइट की हाइट है वो कितनी होगी? 75 √3 मीटर। 75 √3 मीटर, दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज ऑप्शन 2। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज द शेडो ऑफ अ ट्री इज 1 बाय √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ ट्री। आपको क्या कहा जा रहा है कि जो ट्री की जो शेडो है, ट्री की जो शेडो है वो कितनी है? वो लेंथ ऑफ अ ट्री का 1 बाय √3 टाइम्स है, 1 बाय √3 टाइम्स है। तो आपको फिर ये कहा जा रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द लेंथ ऑफ अ ट्री, दिस इज द लेंथ ऑफ अ ट्री एंड दिस इज द शैडो ऑफ अ ट्री। ये ट्री की शैडो है। अब ट्री की जो शैडो है विद रिस्पेक्ट, अब ये जो ट्री की शैडो है, पहले तो मैं प्रॉपर राइट ट्रायंगल बना लू, ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल, ये आपका क्या हो गया? राइट ट्रायंगल। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ये मानो ये आपका सन है, ये आपका सन है, यहां से सन की रेज आ रही, जिसकी वजह से जो ट्री है इसकी ये शेडो बन रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ये एंगल, ये थीटा कितना हो,
एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ये एंगल जो है, ये आपका ये वाला जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको थीटा फाइंड करना है। अब देखो ये आपको पता 90 डिग्री। अब आपको ये कहा जा रहा है शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स। 1/√3 टाइम्स का मतलब शेडो जो होगी आपकी उसकी लेंथ कितनी है 1, और जो ट्री है, उसकी लेंथ कितनी है √3। तो ट्री की लेंथ है √3 और शेडो की लेंथ है 1। अब बहुत सिंपल है देखो, अब जो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है देखो, ये 90 डिग्री है, √3 के अपोजिट, या फिर आप ऐसे देखो कि √3 जो होता है, √3 जो रेशियो वैल्यू होती है किस एंगल के अपोजिट होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ √3 जो रेशियो वैल्यू होती है किस एंगल के अपोजिट होती है। कैन आई से दैट 60 डिग्री। √3 जो एंगुलर वैल्यू होती है किसके अपोजिट होती है, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री के अपोजिट होती है। √3 जो रेशियो वैल्यू होती है लेंथ की या साइड की जो रेशियो वैल्यू होती है वो किस एंगल के अपोजिट होते हैं, 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो थीटा है आपका वो क्या होगा, 60 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर। अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है 2 मीटर है, वॉन्ट्स टू गेट अ फ्रूट विच इज ऑन अ पोल ऑफ हाइट 11/3 मीटर। इफ ही स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5/√3 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द एंगल एट विच ही शुड थ्रो द स्टोन सो दैट इट हिट्स द। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फिगर से समझे इस चीज को तो देखो, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द पोल, राइट, एंड ये पर्सन है, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द पोल, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द राइट। अब हम ये ज़ूम करते हैं कि पर्सन ने इस पोल के ऊपर, मान लो तो यहाँ जो पोल के जो टॉप पर जो फ्रूट है, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द पोजिशन ऑफ फ्रूट, उसने इसको हिट किया है। देखो पहले तो आप अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, क्वेश्चन में क्या क्या आ गया कि पर्सन की जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर। फिर पोल की जो हाइट है, वो कितनी है 11/3 मीटर, वो है 11/3 मीटर, 11/3। अच्छा फिर ये कहा गया है इफ ही स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5/√3 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपका 5/√3, 5/√3 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी 5/√3 मीटर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा 5/√3 मीटर। ये क्लियर हो गया, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका वो 11/3 मीटर है, जिसमें से ये जो डिस्टेंस है, अगर ये आपका 2 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये भी कितना होना चाहिए, ये भी आपका 2 मीटर होना चाहिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट हो गया आपका ई, तो अगर मैं एफ ई की बात करता हूँ, एफ ई तो कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस कितना है 11/3, पूरा डिस्टेंस कितना है आपका 11/3, तो 11/3 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा 5/3 मीटर, 5/3। इसका मतलब ये जो एफ ई डिस्टेंस है आपका, ये आपका हो गया 5/3 मीटर, 5/3। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 5/3, नहीं बात समझ में आ रही है? ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना है ये आपका, पूरा डिस्टेंस है 11/3 मीटर, पूरा डिस्टेंस है 11/3 मीटर। तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं इसको कॉपी करके थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, देखो जी ये आपकी फिगर, ये आपकी क्या है फिगर बन। आपको ये पूछा जा रहा है कि उसने, मान लो ये जो एफ फ्रूट है, ये जो पोल पर ये फ्रूट है एफ, इसको तोड़ने के लिए वो जो स्टोन मारा है उसने, मान लो उसने जो स्टोन मारा है वो एंगल थीटा से पर मारा है। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपको, फाइंड द एंगल एट विच ही शुड थ्रो द स्टोन सो दैट इट हिट द फ्रूट, कि इस एफ फ्रूट को हिट करने के लिए, वो यहां से देखो, यहां
ये उसकी हाइट है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ इस पॉइंट से, ये जो रेड लाइट है, ये जो रेड वाली लाइन में शो कर रहा हूँ आपको, ये स्टोन जा रहा है, स्टोन जा रहा है। अभी जो स्टोन जा रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू पता है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 से 5 तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं दोनों ही साइड में √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपकी साइड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी रूट, ये आपकी हो जाएगी रूट। अब √3, अगर ये साइड √3 है तो उसके अपोजिट जो ये एंगल होगा, इसका अपोजिट ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप ये देखो कि वो दो कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। साइड की रेशियो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर √3 है तो √3 के जो अपोजिट, √3 अगर रेशियो वैल्यू है साइड की, तो उसका अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 60 डिग्री, इज 4.5 मीटर फ्रॉम द हाउस, 4.5 मीटर फ्रॉम द हाउस द लेंथ ऑफ द लैडर आपसे पूछ रहे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द हाउस, एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल, एंड दिस इज द लैडर, दिस इज द लैडर, दिस इज द। अब क्वेश्चन में जो बात हो रही है मुझ पर, आप देखो ये हो गया आपका हाउस, द एंगल ऑफ, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर, यानी कि लैडर जो है लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस, ये आपकी लैडर है, जिस जो हाउस के साथ लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस, वो कितना एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, 60 डिग्री। तो कैन आई से दैट ये जो आपका एंगल है, ये जो आपका एंगल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 60 डिग्री, ये जो एंगल है आपका वो कितना है, 60 डिग्री, राइट। और इसका जो डिस्टेंस है हाउस से वो कितना, 4.5 मीटर। इसका जो डिस्टेंस है हाउस से वो कितना, 4.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है 4.5 मीटर। हाउस से जो डिस्टेंस है, ये आपकी लैडर है, दिस इज द लैडर। तो आपको कहा जा रहा है लेंथ ऑफ द लैडर, आपको ये लेंथ फाइंड करनी, ये लेंथ फाइंड करनी। तो देखो अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के जब अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 1। 90 डिग्री, 90, 30 और 60 के केस में 90 डिग्री के जब अपोजिट साइड होती है उसकी रेशियो वैल्यू होती है 2। ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि अगर ये साइड, अगर ये जो साइड है इसकी रेशियो वैल्यू 1 है तो लैडर की जो लेंथ है वो होगी 2 मीटर, अगर ये साइड 1 मीटर होगी तो ये होगी 2 मीटर, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये साइड 1 नहीं है, ये साइड है आपकी 4.5। इसका मतलब 4.5 का मतलब ये 1 का 4.5 टाइम। तो अगर इस साइड का 4.5 टाइम हुआ है तो रेशियो को इक्वल रखने के लिए आपको इस साइड को भी 4.5 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि अगर ये 4.5 है, 4.5 का मतलब 1 × 4.5 है, तो अगर ये रेशियो वैल्यू 4.5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये रेशियो वैल्यू भी 4.5 से मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब जो लैडर की लेंथ है आपकी वो होगी 4.5 × 2, दैट इज 9 मीटर, दैट इज 9 मीटर, दैट इज 9 मीटर, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, 9 मीटर। सो गाइस दिस इज द पार्ट वन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, और जो भी मैंने 6 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस किया आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गए, राइट। So guys, if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. Because if you do so, it gives me the motivation to make such more good content. मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, लाइक किया जाता है, और आप इस चीज को समझ भी सकते हो, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।